क्रिकेटर मोहम्मद शमी पिछले कुछ समय से भले ही अपने निजी जीवन के चलते विवादों में घिरे रहे हों, लेकिन क्रिकेट में उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद तेज गेंदबाज साबित किया है और वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह पक्की की। शमी मुरादाबाद के एक छोटे से गांव सहसपुर में रहते थे। यहीं रहकर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। उनका गांव सहसपुर मुरादाबाद से कोई 22 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से वे ट्रेन पकड़कर मुरादाबाद आते थे और फिर क्रिकेट की कोचिंग लेकर वापस जाया करते थे। हालांकि इस दौरान पढ़ाई से उनका साथ छूट गया। ऐसे में गाँव के लोगों का कहना है कि वे 10वीं पास भी नहीं है। शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि उन्होंने पहली बार 15 साल के शमी को खेलते देखा तो शमी को ट्रेन करने का फैसला किया। वे कहते हैं कि शमी एक भी दिन ट्रेनिंग मिस नहीं करते थे। प्रतिभा होने के बावजूद उन्हें जब उत्तर प्रदेश की टीम में जगह नहीं मिली तो वे अपना भाग्य आजमाने के लिए बंगाल चले गए। यहाँ वे मोहन बगान क्लब में खेलने लगे। इस दौरान उन्हें नेट्स में सौरभ गांगुली के लिए गेंदबाजी करने का मौका मिला। गांगुली ने उनकी प्रतिभा को देखकर सिलेक्टर से उन पर खास ध्यान देने को कहा। इसके बाद साल 2010 में वे बंगाल की रणजी टीम में शामिल हो गए और इसके 3 साल बाद 2013 में उन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ डेब्यू किया। वहीं शमी आज भारतीय टीम के साथ साथ आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है शमी ने भले ही पढ़ाई में अपना हुनर नहीं दिखाया हो, लेकिन अपनी गेंदबाजी के दम पर उन्होंने सबके मुंह बंद कर दिए। आपको शमी की ये दिलचस्प कहानी कैसी लगी, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।